हाँ उसको चलने दो। ओके हम आ जाते हैं अपने फोल्डर पर जो हमने बनाया था लास्ट क्लास में। पक्की बात है दोनों को प्रैक्टिस है जो लास्ट क्लास में काम करवाया था उसकी। सही है। और हम आ जाते हैं किस पे, रिएक्ट पर, हेलो वर्ल्ड रिएक्ट। ठीक है फोल्डर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ठीक है वापस आते हैं CMD CODE डॉट। कोई चीज समझना है, कोई चीज मसला करे फौरन रोकना है। ठीक है क्योंकि यहाँ से मामला थोड़े से मुश्किल है। अच्छा हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे कि इसमें काम होता किस तरह है और वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है और इसमें फिर जो है इसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे और इसमें जो चीजें आपको बताई गई हैं जो नई आई हैं वो क्या है। सही है ये चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है डबल सी CLS अच्छा सर्वर रन, ये हमारा रिएक्ट नेटिव का सर्वर में रन करने लगा हूँ। NPM स्टार्ट। एडमिट हाँ इतने टाइम इस वजह से ले रहे हैं इनके इंटरनेट की वजह से। NPM स्टार्ट क्या कर रहा है? ठीक है ये एक अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। दोबारा से मैं बंद करता हूँ CCLS। ठीक है CC इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप इसको देखो दोबारा से आते हैं फोल्डर पर। ठीक है ये आपका रिएक्ट का फोल्डर है। ठीक है ये एक किस्म का जो है आपका पूरा रिएक्ट का सर्वर है। ठीक है तो आपने इस रिएक्ट का जो ये आपका बना बनाया फोल्डर है जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट CLI से आपने बनाया है इसको जब आपने रन करना है ना तो उसके लिए आपको चलाना पड़ेगी कमांड जो चलेगी कमांड प्रॉम्प्ट पे और वो कमांड खोलनी पड़ेगी इस फोल्डर में। इस फोल्डर को में कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का जो शॉर्टकट है वो है ये जो नेविगेशन बार है इस पे आपने लिखा CMD और एंटर। ठीक है अब ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है ये इस फोल्डर में हुआ है हेलो रिएक्ट में, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे हेलो रिएक्ट। ठीक है CCLS। तो अब यहाँ पर मुझे रिएक्ट का फोल्डर चलाने के लिए सबसे पहले लिखना है NPM स्टार्ट। ठीक है NPM स्टार्ट मतलब नोड पैकेज मैनेजर जो जिस जो चीजें हमने इंस्टॉल करी थी नोड और रिएक्ट उसको चला दो किसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर NPM START। जब फोल्डर क्रिएट करेंगे, जब फोल्डर रिएक्ट का क्रिएट करेंगे तो NPX यूज करेंगे क्योंकि फोल्डर एग्जीक्यूट हो रहा है बन रहा है। अभी हम किसी भी चीज को चला रहे हैं तो उसके लिए हम NPM यूज करेंगे। ठीक है इसको रन होने देते हैं। आज इसी सवाल को और डिटेल में भी देखेंगे NPM स्टार्ट से क्या होता है या NPM से और क्या क्या हो सकता है। ठीक है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर और उसने जो है मेरा रिएक्ट का फोल्डर ओपन कर दिया है। तीनों के पास स्क्रीन शेयर्ड है। मेरे पास लोकल होस्ट 3000 पे हेलो अहमद रेंडर हो चुका है। मेरे पास जो URL का बार है मैंने उसको कॉपी करा और मैं यहां पर आ जाता हूँ कहां पर कंसोल में देखता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है और वो जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है पहले इसको समझते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है कंट्रोल भी। ठीक है आखिर के स्लैश को हटा देते हैं। हम सबसे पहले इसको देखते हैं ये क्या है। आपका जो रिएक्ट का फोल्डर रन हुआ है वो हुआ है पोर्ट 3000 पर। ठीक है पोर्ट 3000 कैसे पता? अगर अब हमारे पास रिएक्ट का फोल्डर रन हो चुका है अगर हम अब इसको खोलें तो वो बोल रहा है यू कैन नाउ व्यू हेलो रिएक्ट इन योर ब्राउजर। हेलो रिएक्ट स्टैंड फॉर
जो आपका ये फोल्डर था, अब आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है? अब आप इसको व्यू कर सकते हो ब्राउजर पर। लोकल पे आपकी जो पोर्ट है वो ये है। अगर आप देखो तो मैंने जो कंसोल पे कॉपी करके आपका पोर्ट दिखाई है, बिल्कुल यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही है, ठीक है? सेम अगर मुझे इसको रन करना हो तो ये मेरी सिस्टम की आईपी है, इस पे भी मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके। और उसके बाद ये बोल रहा है वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, दैट मींस, और ऊपर भी लिख रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, दैट मींस आपने जो कोड लिखा है ब्राउजर को कंपाइल होके समझ आ चुका है और ब्राउजर ने उसको रेंडर कर दिया है। कंपाइल होके समझाया किसने? बेबल ने, ठीक है? बेबल क्या कर रहा है, आपका जो ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो ये कोड है, सही है, ब्राउजर को नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मैंने ये जो ए टू जेड लिखा हुआ ये क्या है। ब्राउजर को कुछ नहीं पता, उसको समझ आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो आपका जो कोड है जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का है या जो रिएक्ट का है, ब्राउजर को क्या पता कि हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं। तो ये अपडेटेड कोड को ओल्डर वर्जन कोड में कन्वर्ट करके ब्राउजर को बताता है कि यूजर ने ये लिखा है। क्लियर है? नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन कब, अब आपने जो है, क्योंकि अब आप सीएलआई पे काम कर रहे हो, अब आपने जो है इसमें जो है बेबल पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, सही है? ओके, थोड़ा सा इस फाइल को समझ लेते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस को हमें समझने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है? ओके, और मैं आ जाता हूँ किसमें, पैकेट डॉट जेसन में। पैकेट डॉट जेसन की फाइल खोल लेते हैं। इसमें, इस फाइल में आपका जो काम का फोल्डर, काम का जो ऑब्जेक्ट, इसमें अगर आप देखो तो आपके पास एक मेन ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी है डिस्पेंडेंसीज, विच इज दिस। ये आपके काम का फोल्डर है, ये आपके काम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि लाइन नंबर 5 से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 13 पे खत्म हो रहा है, ठीक है? ओके, तो ये आपको, आपके सिस्टम में आपका जो रिएक्ट का फोल्डर होगा उसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? पैकेट डॉट जेसन की फाइल से, ठीक है? ये आपको बताएगा कि भाई आपके जो रिएक्ट का फोल्डर है उसमें ये सब इंस्टॉल है। अभी हमारे पास क्या क्या इंस्टॉल है, हमारे पास रिएक्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ हुआ है, रिएक्ट के स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई हुई है और वेब वाइटल इंस्टॉल हुआ हुआ है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डिस्पेंडेंसी इसमें बता रहा है कि ये चीजें यहाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, और ये सब भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है? डिस्पेंडेंसीज में जो जो रखा हुआ है दैट मीन्स वो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है, ठीक है? तो अब ये बोल रहा है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये कहाँ से आया? ये अगर मैं इधर जाऊं और यहां पर आपको जाके जरा नोड मॉड्यूल्स में कंट्रोल एफ REACT, ठीक है, ये देख रहे हो रिएक्ट का फोल्डर आ गया और इसमें ये इसकी इससे रिलेटेड फाइल्स हैं, ठीक है? तो हमें उसको व्यू करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो तो ये इंपोर्ट रिएक्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, ठीक है? और अगर आप इसको ढूंढोगे तो नोड मॉड्यूल्स में जैसे मैंने आपको ढूंढ के दिखाया वैसे मिल जाएगा, ठीक है? तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट चलाना है, और रिएक्ट डॉम, यहाँ पर आपके डॉम पे काम नहीं होता, यहाँ पर रिएक्ट के डॉम पे काम होता है, ठीक है? इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ठीक है, इसको भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही लिख कर देगा। और मुझे अगर अपनी सीएसएस की फाइल एक्सेस करनी है तो मैं कैसे करूंगा, इस लाइन को हटा के दोबारा लिख के दिखाता हूँ। इम्पोर्ट सीएसएस की, ये आपको कभी भी सजेशन नहीं देगा, आपको खुद देखनी पड़ेगी। अगर मेरी करंट डायरेक्टरी, मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ, किस फाइल पे, SRC के अंदर इंडेक्स डॉट जी एस, सेम डायरेक्टरी पे सीएसएस की फाइल है कि नहीं है? सही है, डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस, क्लियर है? अगर मैं कंट्रोल दबा के उस लोकेशन पे जाऊं तो वो मेरे को बता रहा है कि भाई इस फाइल पे यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, कि भाई एक रूट बनाओ जिसका जो एलिमेंट होगा कंटेनर वो होगा ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है?
इस कंटेनर को रूट रखो, रूट डॉट रेंडर, रेंडर करो उसमें क्या, ये वाला H1 जिसके अंदर मैंने रखा हुआ है हेलो अहमद। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ और लिख लो। ये खुद ही बना बना के देगा, जब आपका फोल्डर बन जाएगा ना, अभी आप जब देखोगे तो ये खुद बना कर देगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहले तो एक थोड़ा सा बड़ा टैग बनाकर देखते हैं कि दो H1 लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करा और इसके अंदर बना दिया मैंने एक डिव। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो अहमद और एक H2 वेलकम टू रिएक्ट जी। ठीक है, सेव किया मैंने और इधर आया हूं। वो कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लेता है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, और यहां अब मेरे पास सक्सेसफुली आ रहा हेलो अहमद वेलकम टू रिएक्ट जी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं। मैं यहां पर आया और यहां पर एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका क्या नाम है, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब वो पढ़ते हैं। COMPONENTS, कंपोनेंट्स। ठीक है, और कंपोनेंट्स के अंदर आया मैं, मैंने एक फोल्डर का नाम है, उसका नाम बना रहा हूं मैं होम, कंट्रोल शिफ्ट N, HOME होम। इसमें फोल्डर से ही काम होगा, जितने ज्यादा फोल्डर बना के काम, हाँ, मर्ज करने में मसला होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ ना, आपको भी नहीं होगा अगर प्रैक्टिस सही करोगे तो। ठीक है, करता क्या है, हाँ, इस पर आ रहा हूं मैं। टाइप एंटर टू एग्जिट आ रहे हैं, एंटर मारो, सही है। अब चीजें चेक करो सारी, हाँ, सही है, तुम्हारा वाला चलने दो। ठीक है, अच्छा, हम आते हैं एक वेबसाइट पर, कोई भी खोल लेते हैं। एंटर का बोल रहा है, अब ब्लू वाला खोलेगा शायद। NPM चेक करो, चौको चेक करो, खुल गया, बस सही है, अब खुलने दो, असल में इंस्टॉलेशन अब शुरू हुई है। बोलना घर, बोलना घर ले जाए, ठीक आ गए सारे, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इधर देखो सारे स्क्रीन पर क्या, मैंने आगा खान की वेबसाइट खोली है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सही है, सेट्स ऑफ HTML सेक्शंस इज कॉल्ड कंपोनेंट, वर्डप्रेस से बनी हुई है, जिससे मर्जी बनी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन सुनो जो मेरी बनाई हुई है, फिर हम गूगल पे देखते हैं और फिर इन्हीं की देखते हैं। सेट्स ऑफ HTML सेक्शंस इज कॉल्ड कंपोनेंट, सेट्स ऑफ HTML सेक्शंस इज कॉल्ड कंपोनेंट। HTML का कोई भी सेक्शन हो, सही है, उसके सेक्शन को आप कंपोनेंट बोल सकते हो। आओ इधर से देखते हैं, ये आपको एक व्हाइट वाला पूरा हेडर बार दिख रहा है, ये जो ऊपर है आगा खान का, आपने इस पूरे को एक कंपोनेंट बना दिया, आपने यहां पर एक डिव लिया, ये पूरे ये वाली हेडर बनाई, सही है, और उसके अंदर ये रखा, इस पूरे सेक्शन को अलग कर लिया, ये एक पूरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये आपके पास रेड लाइन की आप नेविगेशन बार आ रही है,
सही है, एक डिव लिया, उसके अंदर आपने तीन एलआई लगाई, नेविगेशन कंटेनर हुआ, इस पूरे सेक्शन को उठा के अलग रख लिया, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। जी बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, चीजों को तोड़ देना सेक्शंस में इज कॉल्ड कंपोनेंट। और वो कैसे तोड़ोगे, यकीनन एचटीएमएल के सेक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे जैसे जो जो बना के तोड़ोगे, इट्स छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर चीज में कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, और मैं आया इस फाइल में, जी जो मर्जी करो, मैं बटन का भी कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, होगा, अभी तुम देखोगे तुम्हें आसान लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बाद में बहुत आसान है, ठीक है। कंपोनेंट्स में मैं आया, और ये मेरा होम का फोल्डर है, यहाँ मैं एक फाइल बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हर फाइल बनेगी आपकी जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन से, home.js, ठीक है। home.js की फाइल मैंने बनाई किस फोल्डर में, जो मैंने अभी बनाया था, विच इज दिस। क्लियर है, सबको दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब इस फोल्डर को क्या पता, इस फोल्डर को क्या पता एक दूसरे से, ये अभी एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट को रिवाइज करो, के क्लास याद है, क्लास करके हमने कुछ पढ़ा था, क्लास कंपोनेंट्स, हाँ ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं किसको, रिएक्ट को लेकर आते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहां पर मैं ऊपर एक हेडिंग डाल लेता हूँ, होम कंपोनेंट, नोट होम कंपोनेंट, बिल्कुल, वरना नहीं चलेगा, रिएक्ट की फाइल नहीं चलेगी। रिएक्ट का कोई भी कंपोनेंट आपने चलाना हो, आपको पहले इंपोर्ट करवाना होगा रिएक्ट, जो आपके पास कोई भी लाइब्रेरी, जब जो इस फाइल इस फोल्डर में इंस्टॉल हो, अगर आपको इस कंपोनेंट में यूज करनी है, उसको इंपोर्ट करके पहले बुलाना होगा, ठीक है। रिएक्ट मैंने बुला ली, एरो फंक्शन सबको बनाने आते हैं, एरो फंक्शन सबको बनाने आते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया, एक फंक्शन हो गया, मुझे इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है कंपोनेंट में, मैं इसको एज अ फंक्शन यूज नहीं करूंगा, मैं इसको एज अ कंपोनेंट यूज करूंगा। अब मैं इसको कंपोनेंट कैसे बनाऊं, सबसे पहले जो आपका एच है उसको कर दो कैपिटल, नाउ दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, ठीक है। हाँ बता रहा हूं, कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब आप इस कंपोनेंट के अंदर जो है ना, कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, मैंने लगाया रिटर्न, कोई भी एक चाइल्ड रिटर्न होगा, कोई भी एक चाइल्ड रिटर्न होगा, मैंने इसके अंदर लगा लिया एक H1, क्या है ये, पहले करा है, हाँ उसमें भी है, इससे मिलता जुलता है लेकिन वो ये नहीं है, उससे मिलता जुलता है लेकिन वो ये नहीं है, देखा। हाँ उससे अभी आता हूँ ना, वहां पर, वहां पर आ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा रुको तो सही, तुम वहां पर आ रहा हूँ मैं। मैंने लिखा कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है, मैंने होम के कंपोनेंट में एक H1 रिटर्न करा दिया, और उसके अंदर लिखा हुआ है कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा होम का कंपोनेंट है, ये मैं कहीं भी यूज कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, एक्स जी स्क्रीन जूम है, टॉप हुई भी है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, और बाकी